दंगा प्रत्येक कन्नड़ लोकान समझाला पाजे। अरे देखो ऐसे काम नहीं चलेगा, दंगा चाहिए, दंगा करो, दंगा असेंबली में बहुत काम आएगा। ठीक है दादा। कर्नाटका में सारी भाषाओं का मान सम्मान किया जाता है। यहाँ के लोग गर्व से अपना झंडा लहराते हैं और सांगोली रायन यहाँ के लोगों की प्रेरणा है। यहाँ के लोग पूरे देश में भाईचारा फैलाते हैं और किसी की औकात नहीं है इसे रोकने की। ऐसा लगता है जब तू बचपन में स्कूल में जाया करता था उस समय इतिहास पढ़ाते वक्त तेरी आंखें बंद थी। चल रिविजन कराता हूँ। एक सेकेंड। बिंग कमिश्नर, ये मेरी समझ के बाहर है। हमारे सब इंस्पेक्टर भार्गव लापता हैं। Is missing. सर, क्या ये किसी अंडरगोर ऑपरेशन में थे? Yes. वो मिसिंग है, ये बात अगर बाहर आ गई तो डिपार्टमेंट की इज्जत चली जाएगी। वैसे भी डिपार्टमेंट को लेकर इज्जत है कहां लोगों में? इस मिसिंग केस को आई विल इन्वेस्टिगेट। अथनी जाना पड़ेगा। ट्रांसफर होने की खुशी पोस्टमैन को होती है, पुलिस वाले को नहीं। गुड लक। थैंक यू सर। देख देख थाई, देख देख थाई, सारिका फोन देखो। देख देख थाई, ध्यान से, देख
हेलो देव, कहाँ हो तुम? ए, फोन ला इधर। गंगा, मुझे अथनी जाना पड़ रहा है, ट्रांसफर हो गया है। अच्छा, तुम पैकिंग करके आ जाओ। देव सर का ट्रांसफर हो गया है, आज तुम सबकी लास्ट क्लास है। हर बार तुम्हारे ट्रांसफर के वक्त पता है मैं सिर्फ 4 जोड़ी कपड़े ही पैक करती हूँ, क्योंकि बाकी तो ऐसे ही रह जाते हैं। अच्छा हुआ ना पैक करने का काम जो बच गया। हाँ हाँ, पुलिस वाले से शादी नहीं करनी चाहिए, या अगर कर भी ली तो कंप्लेन ना करो। आई रियलाइज। भगवान का खेल भी बहुत अजीब होता है ना कमला। ऐसा क्यों कह रहा है? भगवान मुझसे ये मटर छुड़वा रहा है, लेकिन तुम लोगों से पीछा नहीं छुड़वा रहा। तेरी जुबान पर भी हथकड़ी लगानी होगी। वो सब छोड़ो, ये सांबर के लिए, सब्जी के लिए। सांबर के लिए? मेरी बीवी भाग गई है सर, मुझे कंप्लेन लिखवानी है सर। ये तो खुशी की बात है, कंप्लेन क्यों दे रहा है, पार्टी दे। सर सर अब तो रुक, नए साहब आए हैं। मैं शरीफ हूँ सर, वेलकम सर। सर स्टेशन में रिपेयर का काम चल रहा है, थोड़ा कोऑपरेट करना होगा। आइए सर, मैं सबसे मिलवाता हूँ। सर ये कमला है सर, हमारे स्टेशन की हेड कांस्टेबल। ये पुलिस स्टेशन कम और ढाबा ज्यादा लग रहा है सर। वो इन हथियारों में जंग लग गया है सर, कोई भी वर्किंग कंडीशन में नहीं है। ये कौन है सर? ये बहुत बड़ा शातिर चोर है सर। लेकिन दिखने में तो ठीक लग रहा है। हाँ सर, चोर कम इंजीनियर ज्यादा लगता है। हाँ मैं चोर तो हूँ, बट नॉट बाई चॉइस सर। इस क्रूर समाज ने मुझे चोरी के लिए मजबूर किया। सर सच तो यह है कि ये बहुत बड़ा चोर है, लेकिन ये इंसान बहुत अच्छा हाँ, है। सर कहेगा अच्छा, भाग गया तो तुम्हारी नौकरी जाएगी। सर सर, मैंने एक लड़की को जान से ज्यादा प्यार किया था, उसके कहने के बाद भी मैं उसके साथ नहीं भागा, अब कैसे भाग जाऊंगा सर? सर रिपेयरिंग की जरूरत सिर्फ स्टेशन को ही नहीं, तुमको भी है। जाओ ऐसे को बुलाओ। ओके सर। सर नए सर स्टेशन आ गए। आ गए? कब आए वो? जल्दी आइए सर, उन्हें आपसे मिलना है। व्हाट्सएप की डीपी में मेरा फोटो है, दिखा उन्हें, मैं आ रहा हूँ। ऐसा क्या सर, ठीक है। भाग जाएगा वो, लड़की देखने गया था और सास को देखने लगा, ऐसा हाल है तेरा। ये कब हुआ? है तू भी नया है और वो भी नया है। चुपचाप बैठो दोनों, आता हूँ मैं। ठीक है सर। सर मेरा नाम संपत है, इस स्टेशन में सीनियर मैं ही हूँ, दिल का अच्छा और दोस्ती निभाने वाला पुलिस ऑफिसर। पुलिस वालों को ना कभी किसी के साथ दोस्ती करनी चाहिए ना दुश्मनी। हाँ सही कहा सर। ऐसा है भार्गव के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन? अच्छा ऑफिसर थे सर, लेकिन बिना मतलब के मुसीबत मोल ले लेते थे। अरे खाकी पहना इसका मतलब ये तो नहीं हो जाता है कि आप कहीं भी अकेले चले जाओगे। घर जाते थे तब भी ड्राइवर को साथ नहीं लेके जाते थे सर। उनके फोन की आखिरी लोकेशन तोगड़ी क्रॉस दिखा रहा था, उसके बाद वो भी गए और उनका सिग्नल भी गया। उनकी फैमिली वालों तक को नहीं पता कि वो कहाँ चले गए। सारी बातों का मुझे पूरा अपडेट चाहिए। ठीक है सर। भार्गव सर कौन सा केस हैंडल कर रहे थे उसकी पूरी डिटेल चाहिए। जरूर सर। और इस एरिया के सारे गुंडों से मुझे मिलना है। यस सर। ए नीलकंठ चला, घर में कुछ चीजों को अरेंज करना है, एक हेल्पर मिलेगा। सर मैं और माला हेल्प कर सकते हैं सर। ऐसे काम पुलिस वालों से नहीं कराया करते। ए बैठ जा। सर मैं बाए, 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 अरे सर ये साहब तो चोर को ही घर का रास्ता दिखा रहे हैं। भुगतने दो। भाभी जी ये कहाँ रखूं? आप कौन है? हेल्प के लिए साहब मुझे लेकर आए हैं। वो कहाँ है? बाहर फोन पर बात कर रहे हैं। क्या भाभी जी आप भी इतने बड़े साहब की बीवी होकर भी हवलदार की बीवी जैसी दिख रही हो? छे।
यहाँ आओ। ऐसा कुछ नहीं है, जरा ये देखो, जब मैं बाहर जाती हूँ तभी इसे पहन कर जाती हूँ। डायमंड का नेकलेस, टेम्पल ज्वेलरी, हॉलमार्क, सारे वेस्टेज निकालने के बाद 85 ग्राम्स, करेक्ट ना? दिखाइए जरा, दो रस्सी वाली चेन, अंजलि कट, पूरा 35 ग्राम्स। तुम इतना सही कैसे बता रहे हो? मेरा बिजनेस ही यही है मैडम। मेरी माँ का हार दिखाती हूँ। ओहो, ये तो कुरमुरे वाला चेन है। देखा मैडम, पुराने जमाने वाला ही सही था। है ना? सोना मतलब वजनदार होना चाहिए। ये 85 ग्राम्स। और ये? ये तो बहुत महंगी है, ये तो बहुत खर्चा करती है। okay. ओ, ब्रेसलेट। ये तो देख के पता चल रहा है नॉर्मल चेन है, एक नजर में ही बता सकता हूँ। इसका वजन 15.5 ग्राम है। यू आर गुड, हाँ? सोना पहनो और बनो सोने जैसा। हाथकड़ी पहनाने वाले हाथ में ब्रेसलेट पहना दिया। ये चोर है क्या? देखकर मुझे लगा ही नहीं। सब कुछ सही सलामत है कि नहीं चेक करके लॉक लगा देना। डिनर पे चलते हैं, हमारे वापस आने तक सब कुछ सेट कर देना। सर, पेशेंट के बिना डॉक्टर किसे मेडिसिन देगा? अपराधी के बिना वकील कैसे केस लड़ेगा? और चोर के बिना पुलिस सिंघम कैसे बनेगी? अरे, आप पुलिस वाले हैं तो क्या हमेशा इसे चोर चोर ही बुलाएंगे? एक काम करते हैं, इसका कोई नाम रखते हैं। चोर हूँ तो क्या हुआ, अनाथ थोड़ी ना हूँ मैं। जिस नाम से मुझे मम्मी बुलाती है उसी नाम से पुकारो। नागा, गंगा, चलो चलते हैं। ए, तू भी चल। देखा, तुम पर कितना अभिमान है। अभिमान नहीं, अनुमान है। साथ में लेकर गए तो 50 रुपए का खाना खा लेगा, लेकिन यहीं रख कर गए तो 50,000 का सोना निकल लेगा। इस दुनिया में शक न करने वाली पुलिस कहाँ है? चलिए। गंगा, गंगा, गुड मॉर्निंग सर। hey, गंगा को फोन दे। भाभी जी, आपका फोन। आपके पुलिस पति। हेलो। उसके हाथ में फोन क्यों दिया? मेरे हाथ में फोन नहीं था, फोन पर्स में था। पर्स उसके हाथ में था। देखो, तुम मुझे कभी ऐसे मार्केट लेकर गए हो क्या? कितनी अच्छी चौकीदारी करता ये, पता है? जरा देखो, कहीं चोरी कर रहा होगा। इंस्पेक्टर की बीवी आई है या भाई आया है ये सोचकर एक्स्ट्रा मत दे देना। हाँ। सब 2-2 किलो ही देना काफी होगा। हाँ। जी सर। सुबह मार्केट में कितने बजे आ जाती हो? 5 बजे आ जाती हूँ। यहाँ आने से पहले हमारे घर पर सब्जियाँ देकर जाना, ठीक है? हाँ साहब। डालो डालो, कुछ नहीं होगा, इतना कम है। चलता हूँ। दुकान वाला कौन है? वो कहीं गए हुए हैं। फल लेकर जा रहा हूँ यहाँ से। बोल देना साहब जी लेकर गए हैं। साहब जी? ठीक है, उसे कोर्ट में प्रोड्यूस करना है, लेकर आओ जल्दी। ओके। भाभी जी, मोबाइल दीजिए, पर्स में रख देता हूँ। सब कुछ ले लिया क्या? हाँ, सब कुछ ले लिया। चले आप? ठीक है। चलिए, चलो। ये लोग भी बड़े अजीब हैं। भूखे ने उठाया तो चोर कहते हैं, बड़े लोगों ने लिया तो ड्यूटी कहते हैं। ए नागा। हाँ आया।